हमने एक बहुत ही स्पेशल सर्जन हु इज ऑल्सो अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज अ वेरी वेरी हैंडसम एंड स्मार्ट जेंटलमैन. नॉट ओनली वो सर्जन है, वो ऑल्सो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी भी हैं. 4 साल से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों पे उन्होंने अपनी छुरियाँ चलाई हैं. और ये बहुत ही एक सीरियस टॉपिक है, बट आई रियली रियली वॉन्टेड यू टू मीट समबडी हु जो ना सिर्फ ऐसी इंडस्ट्री में काम किए हुए हैं जो कि काफ़ी इनसिक्योर इंडस्ट्री मानी जाती है, बल्कि ख़ुद जो है वो उन्होंने डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस हासिल की हुई हैं फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड. लेट्स मीट फहद मिर्ज़ा. सलामकुम. हाँ सलामकुम कोमल. थैंक यू सो मच, इतने प्यार से आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें करी तो मेरा पूरा दिल ऑलवेज 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 ऑलवेज. फहद, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट काफ़ी सीरियस टॉपिक है. हमारे यहाँ देखें, मैं जो हूँ ना, बिल्कुल भी सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, बोटॉक्स, फिलर्स, फेशियल एनहांसमेंट के खिलाफ नहीं हूँ. लेकिन मैं पता है किसके खिलाफ हूँ? मैं खिलाफ हूँ पर्सनली कि आप अननेसेसरी चीज़ें कराएं और आप अंदर से सिक्योर नहीं हों और खुश नहीं हों. तो आप ऐसी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं जिसमें हम जैसे लोग, जैसे सेलिब्रिटीज़ हैं, सिंगर्स हैं, मॉडल्स हैं, दुनिया की, पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत तरीन लड़कियां आपके पास आती हैं, तो एज अ डॉक्टर आप कहाँ लाइन ड्रॉ करते हैं एथिकली कि भाई इसको तो 3 चपेड़े मार के घर भेज देना चाहिए क्योंकि ये खूबसूरत है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. और इसको कहते हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बॉडी डिसमॉर्फिया. यस. सो आपने एक इतनी अच्छी बात करी है कोमल, दैट अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम अपने आप को कभी उस तरह देख ही नहीं पाते जिस तरह दूसरा हमें देख सकता है. बिकॉज हम अपने आप को एक मिरर में देखते हैं. मिरर एक 2-डायमेंशनल प्लेट है. या वर्स, अपने आप को सेल्फी में देखते हैं जो कि और अजीब सा एक आपका विजन नजर आता है. तो जो आप एक्चुअली नजर आते हैं, आप कभी भी अपने आप को वैसे देख नहीं सकते जैसे आपको मैं देख सकता हूँ. मैं देख सकता हूँ कितनी हसीन है आप, शायद आप अपने आप को ऐसे कभी भी नहीं देख सकते. मैं तो सोच रही थी एज अ सर्जन आप पता नहीं 100 चीजें निकाल रहे होंगे कि मैं ये ठीक कर सकता हूँ, ये ठीक कर सकता हूँ. लेकिन वी आर आवर हार्शेस्ट क्रिटिक्स. नो, मैं अब एग्जैक्टली मैं यही बात करने की कोशिश ही कर रहा हूँ कि जब इंसान अपने आप को देखता है तो अपने आप को कभी ऑब्जेक्टिवली नहीं देखता. ऑब्जेक्टिवली को अगर आप उर्दू में कहना चाहेंगे तो आज कहेंगे अपने आप को बिल्कुल सच की नजर से नहीं देखता. अपने आप को हमेशा एक इमोशन की नजर से देखता है. ठीक है, और प्रॉब्लम सारी वहां पे आती है. ठीक है, अगर आप जितने भी बड़े बड़े थेरेपिस्ट को सुन लें या बड़े बड़े उन लोगों को सुन लें जो कि इंसान की थॉट पे, इंसान के एवोल्यूशन पे, इंसान के स्पिरिचुअलिटी पे काम किया है, तो वो सब यही बताते हैं कि आपको जितना नजर आता है ना, आप उससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत हैं. आप जो अपने बारे में समझ पाते हैं, आप उससे कई गुना ज्यादा होशियार हैं, कई गुना ज्यादा केपेबल हैं. यप, एब्सोल्युटली. ठीक है ना. सो अनफॉर्चुनेटली अब हमारे पास, खास करके दी अदर थिंग इज कि हमारे पास आते भी जब लोग हैं, स्पेशली मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग आते हैं, यंग होते हैं, यंग लोग होते हैं. और मीडिया इंडस्ट्री में एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि 90% लोगों की जो इनकम है इज बेस्ड ऑन हाउ दे लुक. तो और आपकी जो लुक्स हैं वो तो एक टेम्प्ररी सिचुएशन है. हर किसी ने हमेशा जवान तो नहीं रहना है. हर किसी ने हमेशा हसीन भी नहीं रहना है. ठीक है, फिजिकली एटलीस्ट. तो वो तो जब आप अपनी इनकम को एक ऐसी चीज से टाई इन कर देते हैं जो कि टेम्पररी है, तो ऑलरेडी एक डेस्परेशन, एक ऑलरेडी एक बड़े एक इनसिक्योर फुटिंग पे आप लोग खड़े हुए होते हैं. ठीक है, उसके बाद अलोंग साइड दैट आप खुद ही अपने आप को इतने हार्शली देख रहे हैं. इतने हसीन है आप, लेकिन आप अपने आप को देख रहे हैं कि थोड़ी सी ये टेढ़ी हो गई है, थोड़ी सी लाइन ज्यादा आ गई है, थोड़ा सा ब्राउ नीचे आ गया है. You know, so तो आप at what point do you say के do you have a line? Yes, yes. तो मेरे पास अगर 10 मरीज आते हैं ना, तो उनमें से मैं 2 को operate करता हूँ. Oh wow. Yeah, 8 को मैं वापस भेज देता हूँ. Because मैं लोगों को ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे अब आप हैं, आपको किसने बनाया है? अल्लाह ने आपको बनाया है, right? Yeah. सबसे बड़ा आर्टिस्ट कौन है? खुदा. सबसे अच्छा बनाने वाला कौन है? खुदा. उसके किसी इंसान का उससे मुकाबला है? No, absolutely नहीं. No. Yeah, yeah. तो जब उसने इतनी हसीन चीज बना दी और फिर वो चीज मुझे आके कह रही है कि मैं बिल्कुल सही नहीं हूँ, आप मेरी नाक सीधी करके मुझे सही कर दें,
तो नहीं, सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो मैं आठ में से दस जो दस में से दो करता हूँ आठ वापस करता हूँ आठ को जो वापस भेज देता हूँ और से दस को दो को ऑपरेट करता हूँ तो इसलिए करता हूँ बिकॉज आठ जो होते हैं ना वो ऑलरेडी बहुत हसीन होते हैं आठ ऑलरेडी 90 पे है Yeah. अगर आप 90 पे है और आपको 90 नजर नहीं आ रहा तो मैं थोड़ी सी नाक सीधी करके आपको 95 पे ले जाऊंगा आपको वो क्या नजर आएगा वो भी नहीं Do you understand? Yeah. तो उन लोगों के लिए the important thing is that they should at least understand कि उनको कितना गिफ्ट दिया गया है और so, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ज्यादातर ये जो बॉडी डिस्मॉर्फिया की आपने बात करी बॉडी डिस्मॉर्फिया की ऐसी कंडीशन होती है क्या लाइक हाउ डू यू नो लाइक बहुत सारी लड़कियां हैं जो मैगजीन्स देख के टीवी पे मॉडल्स देख के फोटोशॉप्ड पिक्चर्स देख के सोचती हैं मेरी नाक ही होनी चाहिए मेरा जॉ ही होना चाहिए मेरा वेट ही होना चाहिए तो कुछ नॉर्मल हद तक लड़कियां सोचती हैं नॉर्मल मतलब आई शुड यूज द वर्ड नॉर्मल बट कुछ हेल्दी है कुछ अनहेल्दी है सो व्हाट इज द लाइन आपको कैसे पता हो कि आपको बॉडी डिस्मॉर्फिया है दैट्स अ वेरी वेरी गुड पॉइंट सो बेसिकली बॉडी डिस्मॉर्फिया क्या होता है बॉडी डिस्मॉर्फिया ये होता है कि जो इंसान है ना वो कन्विंस्ड है कि उसके जिस्म का कोई हिस्सा एबनॉर्मल है और वो इस हद तक इफेक्ट होता है उससे कि उसकी जिंदगी इफेक्ट हो रही है कि उसके दोस्त बनाने की सलाहियत इफेक्ट हो रही है काम पे जा रहा है तो कॉन्स्टेंटली सोच रहा है मेरी नाक सही नहीं है ओ नो उसने मुझे देखा अब वो मेरी नाक के बारे में ही सोच रहा है ऑब्सेस करने तो वो ऑब्सेस करने लगते हैं तो उनका जिंदगी का जो दिन का टाइम होता है बहुत ज्यादा इसमें जा रहा होता है और वो बिल्कुल नॉर्मल है शक्ल में कोई मसला नहीं है उसकी परसेप्शन में प्रॉब्लम है ये बॉडी डिस्मॉर्फिया होता है